अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं कलीम अहमद ते तुसी देख रहे हो मुरीद के स्पोर्ट्स टीवी। जैसा कि तुहानू पता है कि असी सारे प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा अपने एक्स क्रिकेटर जिहड़े ने फस्ट क्लास उन्होंने भी कर रहे हैं, तो इस तरह की ही परसनैलिटी है जिहड़ी कि अज भी साड़ी शख्सियत है। तो मैं अज दा उन्होंने तारफ करांदा जावां। इन्हां दी जिहड़ा डेब्यू है 1999 च फस्ट क्लास का होया सी। साड़े मुरीदके दे बड़े अच्छे बैट्समैन ने, तो जिहड़ियां टीमों वालों खेड चुके हैं मैं भी तुहानू मैनशन करदा जावां। एक कंबाइंड 11 अंडर 19 वालों भी खेड चुके हैं, एक शेखपुरा वालों खेड चुके हैं, लॉर्ड डिवीजन अंडर 19 खेड चुके हैं, तो लॉर्ड डिवीजन वालों, तो पाकिस्तान वापदा वालों भी खेड चुके हैं। 24 फर्स्ट क्लास मैच ने इन्हों के। आओ अज इन्हों गल करने हैं। जी तो माजी भाई, अज तुहाडा बहुत शुक्रिया सानू इन्ने कीमती टाइम देने का। तो मैं अज के प्रोग्राम आगाज करांगा कि मैं ये दसो कि तुहाडा क्रिकेट च किस तरह तुसी एंट्री ली, तो किस तरह केड़ी क्लब तो तुहाडा जिहड़ा आगाज़ होया। मैं जिहड़ी क्रिकेट दे विच एंट्री ली सी ना, वह मैं पठा स्टेडियम जाना हुंदा सा, जिमहाना क्रिकेट क्लब से वकार भाई का, तो इमरान जीर उत्थे खेलता हुंदा सी। तो मैं इन्हू इमरान जीर नूं देख के ना, क्योंकि इमरान जीर मेरा ना 2-3 साल सीनियर से, उन्होंने देख के तो मैं ना शौक पैदा होया, उस बहुत ज़्यादा टैलेंट सी। आहिस्ता 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 1-2 साल घर को लुक छुप के क्रिकेट खेलते रहे खेलते रहे, फिर असी मिनत मुनत करते रहे, काफ़ी लोग छुप गए, स्पोर्ट के घरों है कौन सी किसी किस्म की, ठीक है। तो फिर वो मैं जरा ना आ गया, जो मेरे अंडर 19 की वारी आई ना, तो मैं आ गया सा नैशनल जमाना के, तो उतें ही सारी क्रिकेट जी है ना असी खेली है, क्लब क्रिकेट मैच ज़्यादा जी क्रिकेट ना क्लब क्रिकेट नैशनल जमाना खेली है जाफराना के नाल। मैं ये पूछना चाहूँगा, बड़ा एक तुहाडा बैच हुंदा सी, तुहाडे बैच इमरान नज़वी तुहाडे बैच सी, तुसी भी सो, तो मतलब कि थोड़ा जो मैं एक्सप्लेन करना चाहोगे कि उस बैच चो क्रिकेटर, मतलब इमरान नज़ीर का सारियां पता है कि जो अगे मतलब पाकिस्तान खेड गए, तुहाडे बैच वैसे किहड़े-किहड़े क्रिकेटर सन जो अगे निकले? मेरे बैच के इमरान नज़ीर से, असं अंडर 19 वगैरह से ना, जी शेखपुरे लॉर्ड डिवीजन, इमरान नज़ीर ने कट्ठी क्रिकेट कट्ठी खेली से। अच्छा अच्छा, तो असं कट्ठी दो तकरीबन 2-3 साल क्रिकेट कट्ठी खेली है, मैं इमरान नज़ीर, फिर बाद कैसर बास आया सी, फिर भाई जाफर सन, जाफर नज़ीर, जहा जवे सी, मुजाहद भाई साढ़े तो सीनियर सन। अच्छा माजी भाई, मैं ताड़े टाइम दे विच ताड़ा फेवरेट प्लेयर कौन सी मुरीदके दे विच? मेरे मैं जिनी देर सना इमरान जी सी, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड सी, फिर मैं मुजाहद भाई नू देखिया जो असं अंडर 19 वगैरह खेले, मुजाहद भाई मेरे फेवरेट सन। फिर अच्छा माजी भाई, तुसी इंग्लैंड चले गए, फिर इंग्लैंड को आ गए, तुसी क्रिकेट नू लीव करके कारोबार च आ गए, इहदे हवाले ना थोड़ा जिहा साडे व्यूअर्स नू दस्सिओ जे वो की तुहाडा सेंस आया सी? मैं ना जो मैं इंग्लैंड रहा ना, मैं क्रिकेट खेली नाल ना, मैं कोचिंग कोर्स वगैरह भी किए, लैवल 1-2-3 किया सी मैं, तो मैं जो वापस आया 2011-12 च, उदो मैं ट्राई की सी वापस आके ना, कि मैं किधर कोच क्लास प्लेयर जरा ना इन हो जा, एज होनी उदो 32-33 साल, क्योंकि ट्राई की, लेकिन मैं ट्राई की कोई माँ दो माँ गया वा, लेकिन मैंने नहीं रिस्पोंस आया। तो फिर अपना आबू का बिजनेस से मैं उस बैठना शुरू किया, तो उस मैं बेहतरी लगी, फिर मैं उस वजह तो छोड़ दी। ये चीज़ अपने व्यूअर्स में मैनशन कराँगा कि माजिद भाई इंग्लैंड तो लैवल 1 भी किया कोचिंग कोर्स, लैवल 2 भी, तो लैवल 3 भी किया। तो माजिद भाई, हूँ तुम अमरीदके की क्रिकेट किस तरह लगता कि बेहतर हो सकती है? अमरीदके की क्रिकेट जी ना बेहतर हो सकती, कि क्लबा जी ना प्रॉपर रन हो, तो क्लबा क्रिकेट मिले ड्राफ्ट, हम असी मुरीदके इन्ना टैलेंट से, तुम कढ़ के वेख लो कि हर दौर साढ़े तो पहले भी सन, ठीक है, मुजाहद भाई सन, सारे सन, वो सारे मुरीदके तो खेल के गए हैं, लेकिन मुरीदके कोई अच्छी ग्राउंड जी है ना जिद सारे अपॉर्चुनिटी मिले, वो हले तक नहीं मिल सकी। बड़ा लॉन्ग पीरियड है, 28-30 साल की मैं गल कर रहा वहां कि साढ़े जो हले तक जी ना अच्छी ग्राउंड जी ना नहीं मिल सकी जिथे क्रिकेट हो, क्लबा सारिया च क्रिकेट होगी, तो कंपीटिशन होगा, तो बच्चे अगे आएंगे। हजे तक मुरीदके अच्छी ग्राउंड की फैसिलिटीज नहीं क्रिकेटर्स मिल सकी। करीब ही है शादरा, तो उत्थे जो जाइए लाहौर जाओ गाए बगाए, तो उत्थे ट्रफ नज़र आती, उत्थे क्रिकेट होंगी होंगी, उन्होंने अपनी ग्राउंड से बहुत बेहतर किया, बहुत बेहतर किया उन्होंने अपनी ग्राउंड में। इस तरह ही चाहिए मुरीदके वालों कि आपस मैच हो, कंपीटिशन हो, क्रिकेटर बच्चे अगे आन। अच्छा माजी भाई, आने वाले टाइम अगर कोई ऐसी अच्छी ओपरचुनिटी मिलती है, तो एज ए कोच तुहाडी वापसी हो सकती क्रिकेट?
नहीं हूँ, बहुत लेट हो गया। दूसरा मजी भाई मैं तुम चाहवागा कि तुम बच्चों को एक स्पेशली एक तो मैसेज क्रिकेट के हवाले ना दवो कि क्रिकेट हूँ के टाइम चो की करन। सैकेंड यह भी चाहवागा कि एजुकेशन के हवाले ना भी उन्होंने कोई मैसेज दियो जे, क्योंकि एजुकेशन किन्नी कोई अहमियत रखती है एक स्पोर्ट्समैन। बेसिकली मैं अपनी स्टोरी तुम दसदा जो असी सर सारे ही, मैं नाम मैनशन नहीं करना चाहता है, असी सारे सन मेरे को थोड़ा सीनियर को जूनियर कि असी जितने भी है ना असी एजुकेशन नहीं असी ज़्यादा फोकस क्रिकेट नहीं किया है, ज़्यादा असी ना क्रिकेट ही रखी है। हूँ मेरे हिसाब न बहुत ज़्यादा मीडिया से अवेयरनेस आ गई है और जिन्हें भी हैं ना साढ़े वो दौरान तुम चाहिए जाके स्कूलों से कॉलेजों से जाके ना अवेयरनेस दवो कि बच्चा जिहड़ा ना वो स्पोर्ट्स स्टार्ट करता ना तो वह बड़िया बुराइया तो बच जाता और बच्चा नाल अगर पढ़िया लिखिया हो जाए तो वह बहुत बैटर हों। टू बी ऑनेस्ट कि सानू तो कोई स्पोर्ट्स नहीं स्पोर्ट नहीं सी करों हैगी, असी तो रफ नज़ीर स्पोर्ट वगैरह की हुई है सानू और क्लबों को चाहिए कि जो जिन्हें बच्चे है ना इन्हों बुलान प्रैक्टिस से बुलान और इन्हों की कोई थोड़ी जी ना हेल्प करे, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। ये चीज़ा वगैरह इन्हों देन क्लबों को चाहिए कि स्पॉन्सर वगैरह लभन जिदे छोटे बच्चे जूनियर अगे आन। चलो माई भाई बहुत शुक्रिया तुहाडे अज्ज दे कीमती टाइम का, उम्मीद है व्यूवर्स नूं अज्ज तुहाडे बारे काफ़ी इनफॉर्मेशन मिली होएगी। तो मैं अपने व्यूवर्स नूं यही कहना चाहवागा कि देखो मुरीदके की क्रिकेट बहुत अच्छी होंगी सी, जिन्होंने असी इस टाइम अगर देखा जाए ग्राउंडा के फुकदान की वजह तो सब तो ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मेरे ख्याल ना लास्ट 7-8 साल तो इतने मैच ही नहीं होया क्रिकेट का। तो मैं अपने तकरीबन सारे मुरीदके के शहरियों स्पोर्ट्समैन भी रिक्वेस्ट करता रहना ग्राउंड के हवाले ना, अजकल असी मैसेज भी एक वीडियो मैसेजेस भी वायरल कर रहे हैं। तो मैं पेरेंट्स में यही कहूँगा कि जिस तरह स्पोर्ट्स के नाल नाल एजुकेशन जरूरी है, बच्चे जरूर एजुकेशन दे वेच कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर और स्पोर्ट्स ही रखो, जरूरी नहीं कि क्रिकेट ही, कोई भी स्पोर्ट्स तुसी अटैच कर सकते हो ताकि बच्चा फिजिकली फिट होएगा तो वो एजुकेशन च भी फिट होएगा। तो मैं इस तरह तुहानू रिक्वेस्ट करांगा कि स्कूल कॉलेजेस नूं भी पेरेंट्स पूरा सैटिस्फाई करन कि वो गेम्स वाल भी बच्चों लैके आ। तो वीडियो के आखिर से मैं तुहानू कहांगा कि साढ़े चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करिया करो। इंशाल्लाह बहुत जल्द असीं एक नई शख्सियत दे नाल मिलांगे। अल्लाह।